खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बेरोजगारों को रोजगार देने का हर संभव प्रयास कर रहा है। विभाग द्वारा जहां एक ओर बेरोजगारों का मार्गदर्शन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें सब्सिडी पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की इस योजना के माध्यम से सैकड़ों बेरोजगार अपने पैरों पर खड़े होकर न केवल अपनी आजीविका कमा रहे हैं, बल्कि वे कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। ये जानकारी खादी बोर्ड के संयोजक जसवीर सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई बेरोजगार रोजगार की तलाश में है तो वे बिना किसी संकोच के उनके कार्यालय आ सकता है और व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकता है। पात्र व्यक्तियों को विभाग पूरा सहयोग देगा ताकि वे अपना व्यवसाय जल्द से जल्द आरंभ कर सके। उन्होंने सभी को जागरूक करते हुए कहा कि बिचौलियों से बचें, स्वयं कार्यालय आकर जानकारी हासिल करें। संयोजक जसवीर सिंह ने बताया कि खादी बोर्ड द्वारा व्यवसाय स्थापित करने के लिए दो तरह के ऋण PGIGP योजना के तहत बेरोजगार व्यक्तियों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक उठा सकते हैं। इस योजना में उद्योग लगाने या सेवा क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। वहीं उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को 25% की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सभी श्रेणियों को 35% की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। आवेदन करते समय 8 तरह के दस्तावेज लगाए जाते हैं। अगर लाभार्थी बैंक से सहमति पत्र ले आता है तो उनका लोन केस तुरंत बनवा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो इस समय स्कीम चलाई जा रही है, उस स्कीम का नाम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMEGP स्कीम क्या है? ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है कि इसमें दो एजेंसीज के साथ जो है इसको कामयाब होती है ये। तो इसमें जो लोन कंपोनेंट रहता है वो बैंक का रहता है, और जो सब्सिडी कंपोनेंट रहता है वो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी हम पहले बात लिमिट की बात कर लें तो PMEGP स्कीम के अंदर जो लिमिट है, इसको PMEGP स्कीम को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ठीक है, एक तो सर्विस सेक्टर है और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में जो लिमिट है वो 10 लाख तक रहती है, और मैन्युफैक्चरिंग में जो लिमिट है वो 25 लाख तक रहती है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो 18 साल उसके कंप्लीट होने चाहिए। 18 से लेकर 20, 30, 40, 50, 55 जहाँ तक उसकी हेल्थ अलाउ करती है, उसको काम करने की क्षमता है, और उसमें लोन भी बैंक देने को अगर तैयार है तो हम उस एज तक भी बैंक को केस स्पॉन्सर्ड कर देते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन के लिए इसमें भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। जैसे दो कैटेगरी बताई है मैंने, एक सर्विस सेक्टर है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में अगर उसने 5 लाख तक अपनी इंडस्ट्री लगानी है, और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख तक उसने इंडस्ट्री लगानी है एप्लीकेंट ने, तो वो अगर इलिटरेट है, अनपढ़ है, और उसको काम करने की क्षमता है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको ये पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको ये पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी और मशीनरी पार्ट कहाँ से आना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आना है, उसको अगर उसको सारा नाउ हाउ का पूरी जानकारी है, तो वो अगर इलिटरेट भी है, अनपढ़ भी है, तो वो इस स्कीम के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है। ठीक है, और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक सर्विस सेक्टर, और 10 लाख से लेकर 25 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर उसने अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो वो 8th स्टैंडर्ड तक पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एज क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो भारत सरकार ने इस स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। ठीक है, सब्सिडी कंपोनेंट की मैं आपको बता दूं तो इसमें एक ही कैटेगरी ऐसी है जिसको 25% सब्सिडी मिलती है, वो है जनरल कैटेगरी में मेल। जनरल कैटेगरी में अगर मेल है तो उसको जो सब्सिडी मिलनी है वो 25% के हिसाब से मिलनी है, जबकि लेडीज़ या फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं, और SC ST OBC हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटी सभी को जो सब्सिडी मिलनी है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वो 35% या 35% के हिसाब से मिलनी है। मतलब ये होगा कि एक ही कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी में मेल है उसको 25% सब्सिडी है, और अदर्स वालों को और महिलाओं को सभी को 35% सब्सिडी मिलनी है। किसी ने ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसके लिए हमें 8 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, उसको समझने के बाद ये 8 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपके आधार कार्ड, बोनाफाइड क्वालिफिकेशन, कास्ट का फोटो, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, ग्राम पंचायत का, बैंक का कंसर्न लेटर, रिटर्न में नहीं है तो बर्बली बात करनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने खादी एवं विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के दफ्तर आना है, और वहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपका भरा जाएगा।